दिस साइड एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो पहले तो ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाला जो मेकअप लुक है मैंने आज क्रिएट किया है एंड इसका ट्यूटोरियल जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी से जाके कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है समर सीजन अभी शुरू हो गया है एंड समर सीजन में सनस्क्रीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबको पता है। तो सनस्क्रीन ऐसा नहीं कि खाली समर सीजन में आपको यूज करना है, आप नॉर्मल डेज में भी यूज करना चाहिए आपको सनस्क्रीन डे के टाइम पे। अगर आप घर पे भी रह रहे हो तो भी आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए क्योंकि सनरेज आता ही है चेहरे पे। तो अगर हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं हमारे स्किन पे टैनिंग हो जाता है एंड स्किन में मतलब ब्लैक हो जाता है, स्किन खराब हो जाता है। तो मेरे पास आज एक बढ़िया सा सनस्क्रीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं यूज कर रही हूँ 10 डेज से यूज कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन 10 डेज में। इसमें मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका इफेक्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। जैसे मोस्टली सनस्क्रीन आती है वो क्या होता है ना, लगाने के बाद ज़्यादा ऑयली हो जाता है एंड चिपचिपाहट जो है ना वो फील होता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला सनस्क्रीन जो है इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको सनस्क्रीन दिखा देती हूँ। ये है लोटस बोटानिकल्स का सनस्क्रीन। कैमरा में आ तो रही है ना। सो गाइज, ये है तो एक सनस्क्रीन लेकिन ये आज ए मॉइस्चराइजर भी काम करता है एंड आज ए सीसी क्रीम भी काम करता है। जैसे हम लोगों का सीसी क्रीम आता है ना, ये पूरा सेम टू सेम है, वैसा ही काम करता है। आप ये विटामिन सी है इसमें, ये स्किन को ब्राइटन करता है एंड अगर आपके स्किन पे पहले से ही कुछ डार्क स्पॉट है ये इसको मिटाने में भी हेल्प करता है एंड इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है एंड इसमें SPF 50 PA++ है जो फुल्ली प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को सनरेज से। इसका मैं दिखा देती हूँ क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये सीसी क्रीम जैसा काम करता है। ये देखो गाइस, ये कुछ पिंकिश शेड में आता है एंड मैं इसको लगा के अपने हाथ में दिखाती हूँ क्योंकि मैं अभी मेकअप नहीं उतार सकती अपना। देखो डिफरेंस। अगर आपको मेकअप करना पसंद नहीं है तो आप इसको लगा के आराम से जा सकते हो, या तो आप आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीसी क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको लगा दोगे। ये आज मॉइस्चराइजर, आज सीसी क्रीम एंड सनस्क्रीन तो ये है ही, तो ये तीनों का काम एक साथ करता है एंड हाँ, आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक लगा सकते हो, देन यू आर रेडी टू गो। तो इसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। हाँ, ये मैट फिनिश देता है, ऐसा नहीं कि मतलब और जो सनस्क्रीन आते हैं ना उसको लगाने के बाद वो थोड़ा ज्यादा ऑयली दिखता है एंड चिपचिपाहट सा फील होता है, इसमें वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये मैट फिनिश देता है, जैसे कि मैं बोली आज सीसी क्रीम यह काम करेगा। लाइट वेट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है एंड ये स्किन को ब्राइटन सच्ची में करता है। मतलब सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, आपका डार्क स्पॉट भी मिटाएगा, स्किन को ब्राइटन भी करेगा एंड इसमें क्या क्या है मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है जो कि आपके स्किन को हार्म करेगा एंड ये ऑल स्किन टाइप है। अगर जैसे ऑयली स्किन वाले जो होते हैं या फिर एक्ने प्रोन स्किन वाले जो होते हैं वो थोड़ा मतलब डाउट में रहते हैं कौन सा सनस्क्रीन यूज करेगा, सही से रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपको मैं बोलूंगी आप आंख बंद करके इसको यूज कर सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, मैं यूज कर चुकी हूँ इसको एंड जिन लोगों का एक्ने है उन लोगों के ऊपर भी मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये 645 रुपीज की आती है, 75 ग्राम आपका आराम से एक महीना चला जाएगा, एक महीना से ऊपर भी आई थिंक चला जाएगा एंड 645 रुपीज में ये तीन चीज का काम देता है। तो कुछ मतलब ज्यादा अमाउंट की नहीं है क्योंकि आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, मॉइस्चराइज करता है, ये सीसी क्रीम की भी जरूरत नहीं है, अलग से परचेज करोगे तो सेम ही प्राइस आएगा आपका, तो आप इसको ले सकते हो। सो गाइज, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड पैराबिन फ्री है एंड इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है जो आपके स्किन को हार्म करेंगे, ऑल स्किन टाइप पे। तो ये रहा इसका बेनिफिट एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आज ऑलवेज साइड में इसका फोटो खींच के लगा दूंगी, अब वहां से पढ़ लेना। एंड प्राइस तो मैं बता दी, स्किन ब्राइटन करता है। तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको हमेशा सनस्क्रीन हो, मॉइस्चराइजर हो, जो भी हो, स्किन को क्लीन करने के बाद यूज करना है। आप नहा लेते हो, नहाने के बाद फेस वॉश करते हो, फेस वॉश के बाद इसको यूज करना एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अगर घर में भी रहते हो तब भी आप सनस्क्रीन यूज कीजिए क्योंकि घर के अंदर सनरेज आता ही है, तभी तो हमको लाइट दिखता है, तो सनरेज से प्रोटेक्ट करेगा सनस्क्रीन।
तो आपको हमेशा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, रात के टाइम पे नहीं। तो दिन में आप हमेशा घर पे रुकते हो, बाहर नहीं भी जाते हो, तो भी सनस्क्रीन यूज कीजिए। तो गाइज ये था लोटस बोटानिकल सनस्क्रीन का रिव्यू। एंड गाइज इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और परचेज करना हो तो इसको परचेज कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन में। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे ऐसे ही और रिव्यू लेके आ सकूं। एंड तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।